नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस अपने को दिया हुआ है 4 kg, M1 इज 4 kg एंड M2 इज इक्वल टू 6 kg, आपका 6 kg हुआ और ये 4 kg हुआ। आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर बिलो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ब्लॉक M1 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दिया हुआ है म्यू, वैल्यू 0.4। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज मासेस M1 एंड M2 स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। सवाल है व्हाट एडिशनल मास M, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, शुड बी प्लेस्ड ओवर मास M1 सो दैट मासेस M1 एंड M2 स्लाइड विद यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ आसान सवाल है, इस केस में हो ये रहा है कि आपने जब पहले ब्लॉक्स रखे तो मूव करने शुरू कर दिए, उसके बाद एक M हम प्लेस करें सो दैट आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करें, यानी कि हम कहेंगे आपका एफ नेट जो है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, आपका नेट फोर्स इसके ऊपर M1 के ऊपर शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो आपकी फोर्स एक टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन आ गई है उसको खींच रही है। सो अगर हम टेंशन की बात करें सो टेंशन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू M2G, राइट, क्योंकि आपका एक्सेलेशन जीरो हो गया तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी M2G। इस ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएं दोनों का कंबाइंड FBD, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स आएगा टेंशन माइनस आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, यानी कि आपकी कंडीशन ये हो गई कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू टेंशन। फ्रिक्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू M1 प्लस स्मॉल m जो अभी हमने उसके ऊपर रखना है जी will be equal to, ये आपकी equation 1 थी, M2G इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे G cancel हो जाएगा, mu M1 और M2 की value हमें पता है, रख के अपना answer आ जाना चाहिए। So इसमें अगर हम अब data रखें यहाँ पे, So let's do that, data है अपना 0.4 M1, M1 दिया हुआ अपने को 4 plus M will be equal to, G cancel हो चुका है, this will be equal to 6, right? सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 1.6 प्लस 0.4 एम विल बी इक्वल टू 6, यानी कि आपका 0.4 एम जो है उसकी वैल्यू हो गई 6 माइनस 1.6। सो इसको सॉल्व करके ये आएगा 6 माइनस ये आएगा 4.4, यानी कि जो एम है वो हो गया 4.4 डिवाइडेड बाय 0.4, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 11 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 11 kg शुड बी द राइट आंसर।